हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा जी का नॉवेल भस्मासुर का अगला भाग। मगर हद है, अशरफ बड़बड़ाया, ये मुझे वॉच करता रहा और मुझे पता ही नहीं चला। होता है, विजय ने किसी बच्चे को समझाते बुजुर्ग की तरह गर्दन हिलाई। आदमी जब अंटा गाफिल रहता है तो अक्सर गच्चा खा जाता है। इस मामले में दिलजली की तारीफ करनी पड़ेगी, उसने इसे हमारे पीछे नहीं लगाया। जानता था कि हमें इसकी खुशबू कई मील दूर से आ जाती है। सो कमरे में घुसते ही आ गई। ये पट्ठा तुम्हारी कार में तुम्हारे साथ साथ यहाँ आया और जाकर उस रोशनदान पर लटक गया। क्यों भैया मोंटो, कुछ गलत बका क्या? मोंटो ने पुनः इनकार में गर्दन हिलाई और इसी के साथ बिजली सी कौंधी। विजय के दाएं हाथ की कराटे बहुत तेजी से मोंटो की कनपट्टी पर पड़ी। एक बंदरूनी चीख के साथ मोंटो ढेर हो गया। यहाँ बता दें कि मोंटो एक बंदर है। सन्नाटा पुनः कई पल के लिए छा गया था। विक्रम ने तोड़ा, इसे बेहोश क्या किया तुमने? अभी पक्का कहा हुआ है कि ये बेहोश हो चुका है। मतलब कम पहुंचा हुआ संत ये भी नहीं है? मुमकिन है नाटकी कर रहा हो, मौका मिलते ही पुनः उछल कर खड़ा हो जाए। फिर विजय ने पूरी ताकत से मोंटो का जिस्म खींचकर सामने दीवार पर मारा। एक साथ सबको विजय की यह हरकत पागलपन लगी। मोंटो का जिस्म दीवार पर टकराने के बाद पट्ट से फर्श पर गिरा। कोई चीख नहीं, विजय मूकतापूर्ण अंदाज में बोला, साबित हो गया कि हुजूर सचमुच बेहोश है। भले ही उन्हें विजय के काम करने का स्टाइल पसंद ना हो, मगर ये मान गए कि वह रहता पॉइंट पर है। एक बार सबकी नज़रें आपस में मिली, फिर विक्रम बोला, तुम अपनी ऊटपटांग हरकतें छोड़ दो तो आदमी हीरा हो। पहचानने के लिए धन्यवाद। विजय ने कॉलर खड़े की, बहुत दिन से किसी जौहरी की तलाश थी, तुम फिर बकवास करने लगे। अमा यार, ये तो कोई बात नहीं हुई, विजय ने भटियारिन की तरह हाथ नचाया। जब तुम वही बात करो तो काम की होती है, हम करें तो बकवास। यानी कि तुम्हारा खून खून, हमारा खून वाटर। विजय, अशरफ ने पूछा, ऑर्डर क्या चीफ का? ऐसी तैसी चीफ की, ऑर्डर उसका नहीं हमारा है। अच्छा, तुम्हारा ही सही, बताओ तो। ऐसा नहीं, आओ सिर जोड़कर बैठे। कहने के बाद वह सोफे पर बैठा बैठा सेंटर टेबल पर झुक गया और अकेला क्यों, सबको इसी पोज में आने पर मजबूर कर दिया उसने। वास्तव में पांचों सिर से सिर जोड़े बैठे थे। ठाकुर साहब अपने ऑफिस में बैठे थे। फ़ोन की घंटी बजते ही उन्होंने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो। यह हाथ मुझे दे दे ठाकुर, दूसरी तरफ से गब्बर सिंह की आवाज़ आई। क्या मतलब? ठाकुर साहब उछल पड़े, कौन? संजीव कुमार की तरह चीखना यार। नहीं, ए ठाकुर साहब दहाड़े, कौन बदतमीज हो तुम? फिर गब्बर सिंह वाले लहजे में कहा गया, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। अरे जानते नहीं हम आईजी पुलिस बोल रहे हैं? खचा, दूसरे तरफ से ऐसे स्वर में कहा गया जैसे गब्बर सिंह की दोनों तलवारें एक साथ चली हों और संजीव कुमार के दोनों हाथ एक साथ कट गए। अरे ठाकुर साहब का दिमाग आउट, कोई पागल है क्या? अब अमरीश पुरी की आवाज़ आई, मोगैम्बो खुश हुआ, मगर तुम बहुत जल्द उदास होने वाले हो ठाकुर, तुम्हारे सुपरिटेंडेंट की कोठी पर पहुंच रहा हूँ। अमरीश पुरी स्टाइल में हंसते हुए संबंध विच्छेद कर दिया गया। ठाकुर साहब ठगे से रह गए, चेहरा बुरी तरह भबक रहा था। दिमाग में फ़ोन करता की बातें गूंज रही थी, समझ नहीं पाए कि उन ऊटपटक बातों का मतलब क्या हुआ। रिसीवर क्रेडल पर पटका उन्होंने और पटकते ही जाने क्या दिमाग में आया कि पुनः उठाकर तेजी से नंबर डायल किया। दूसरी तरफ रिसीवर उठाया गया, आवाज़ आई, हेलो, वहाँ सब ठीक है ना रहना बेटी? जी हाँ, क्यों आप घबराए हुए क्यों? रघुनाथ कहाँ? ये रहे, अभी अभी एक फंक्शन से आए हम दोनों। मगर बात क्या है? फ़ोन उसे दो जल्दी। अगले पल रघुनाथ की आवाज़ उभरी, हेलो विकास आ चुका है अपने कमरे में? अभी अभी हमारे पास एक अजीब फ़ोन आया, सतर्क रहना रघुनाथ, हम आ रहे हैं। कहने के साथ रिसीवर क्रेडल पर पटकते हुए उठकर खड़े हो गए। तेज़ी से दरवाजे की तरफ लपके। रिसीवर उठाते ही गुलफाम ने कहा, गुलफाम बोल रहा हूँ। साले कहाँ गया, खुद को बहुत बड़ा दादा समझता है? ए गुलफाम उछल पड़ा, कौन है तू? कोने में क्यों होता, सामने हूँ, दांत तोड़ूंगा तेरे। अबे गुलफाम उछल कर खड़ा हो गया, फ़ोन पर क्या बक बक करता है? माँ का दूध पिया तो सामने आ। तूने पिया है माँ का दूध? माँ थी तेरी? सामने आया तो बताओ कि गुलफाम क्या चीज़ है। ठीक है, विकास की कोठी पर पहुँच, वही फाइटिंग होगी मेरी तेरी, कहकर रिसीवर रख दिया गया। ठाकुर साहब अपने साथ घटित बताकर हटे ही थे कि हॉल में दाखिल होते विजय ने कहा, कमाल हो गया बापू जान, हमें भी साला एक ऐसा ही टेलीफोन मिला, यानी उल जलूल, लेकिन तुम्हारी या गुलफाम की तरह रौब नहीं दिया गया हमें। दूसरी तरफ से कोई कन्या बोल रही थी, बोली, बसंती बोल रही हूँ मेरे वीरू, एसपी साहब के बंगले पर पहुँच जा। मैंने पूछा, वहाँ क्यों? कहने लगी, सवाल मत कर वीरू, आज तेरी बसंती की इज्जत खतरे में है, बचाना चाहता है तो पहुँच जा। और हम टपक पड़े। रैना, रघुनाथ, ठाकुर साहब और गुलफाम की नज़रें मिली। उधर विकास और अल्फांसे की नज़रें मिली थी। आरजू की मानों को समझ में नहीं आ रहा था। उस वक्त अल्फान से विजय को कच्चा चबा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था जब ठाकुर साहब बड़बड़ाए, समझ में नहीं आता ये फ़ोन किसने किए, हम सबको यहाँ इकट्ठा करने का किसका क्या उद्देश्य है? अल्फान से विजय के करीब जाकर बड़बड़ाया,
तुमने ध्यान दिया ठाकुर साहब क्या जानना चाहते हैं? दिया तो बोलो, इन दोनों को क्यों बुलाया यहाँ? मुझे क्या पता, मैं तो खुद बसंती की इज्जत बचाने, रात हम समाधि में बैठे थे, फिर साक्षात शंकर भगवान अवतरित हुए, डमरू बजाया, भंग का अंटा चढ़ाया और लगे तांडव करने, हमने ओफो विजय भैया रहना झुंझला गई, मतलब की बात कीजिए ना। जब शंकर भगवान कुछ बोले नहीं, तांडव ही करते रहे, तो तुम्हारी तरह बोर हो गए हम भी। बोले, महाराज अब हमारा दिमाग आपके और ठमके नहीं झेल सकता, जल्दी से उगल दो कि क्या बताने पधारे हो। तो वे बोले जानती हो रहना बहन। वे क्या बोले ये कि ये, उसने अपनी उंगली आरजू की तरफ तान दी। सभी बौखला गए, आरजू के चेहरे पर बौखलाहट कुछ ज़्यादा ही थी। बेचैन उचके विकास ने पूछा, ये क्या? ये CIA की जासूस है, एक झटके से कह दिया विजय ने। नहीं, बौखलाहट में विकास चीख पड़ा, ये झूठ है। तुम बीच में मट टपको दिल जले, शरबती आंखों वाली को बोलने दो। अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि विजय ने आरजू की आंखों में आंखें डालकर सवाल किया। जवाब दो शरबती आंखों वाली। ये क्या जवाब देगी गुरु, मैं जो बता रहा हूँ। इस खौफ से ग्रस्त विकास चीख पड़ा कि कहीं आरजू टूट ना जाए, भला CIA से इसका संबंध कैसे हो सकता है? आमा मियाँ ये तो नहीं पता, मगर इतना ज़रूर जानते हैं कि शंकर भगवान झूठ नहीं बोल सकते। पापा, ठाकुर नाना, क्राइमर अंकल, गुलफाम अंकल, आप सब जानते हैं कि गुरु शुरू से आरजू के पीछे पड़े हैं। ये शादी ना होने देने की कसम खाई है इन्होंने, अपने मकसद में कामयाब होने के लिए ये इनकी नई चाल है। विजय गुर्राता हुआ अल्फान से दो ही कदमों में उसके नज़दीक पहुंचा। गुर्राया, इस किस्म के घटिया आरोप लगाकर तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। अपनी बुद्धि का चेकअप कराओ लूमड़ मियाँ, इतना स्टैंडर्ड का आरोप तुम्हें घटिया नज़र आ रहा है? अब सारी बात समझ में आ गई। कहते वक्त उफन ही जो पड़े ठाकुर साहब, हमें और गुलफाम को वे फ़ोन इसी ने किए थे, ये आरजू को हम सबके नज़रों से गिराना चाहता है। शर्म करो बापू जान, इस उम्र में कुछ तो शर्म करो, भला हम क्यों किसी को नज़रों से गिराने उठाने लगे? अल्फांसे ने पूछा, क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? एक पल के लिए बौखलाया से लगा विजय, लेकिन अगले ही पल संभल कर बोला, हाँ हमने भी शंकर भगवान से यही पूछा। कहा, देखो भोलेनाथ, जब हम ये बात कहेंगे तो लूमड़ भी आसपास ही कहीं होगा, और लूमड़ साला आपकी तरह भोला भाला तो है नहीं कि बगैर सबूत के हमारी बात पर यकीन कर ले। मुस्कुराते हुए अल्फांसे ने पूछा, तो क्या बोले तुम्हारे भोले बाबा? कहने लगे, शरबती आंखों वाले के दाएं हाथ की तर्जनी में से अंगूठी उतरवा कर देखना। नहीं, जोर से चीख कर आरजू पीछे हट गई, बाएं हाथ से मानो स्वयं दाएं हाथ में मौजूद अंगूठी को ढक लिया। यह देखा जाए तो गलत ना होगा कि आरजू के चेहरे पर इस वक्त हवाइयाँ उड़ रही थी, स्वयं विकास के चेहरे का रंग उड़ गया था, और उन पर हुई प्रतिक्रिया ने अकेले अल्फांसे को नहीं, ठाकुर साहब, रैना, रघुनाथ और गुलफाम को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। विजय ने गर्म लोहे पर चोट की, पूरी बात तो सुन लो लूमड़ मियाँ, नटराज ने कहा था कि वह अंगूठी नहीं ट्रांसमीटर है, ऐसा ट्रांसमीटर जिस पर शरबती आंखों वाली CIA के चीफ से बात करती है। सभी दंग रह गए, लेकिन ठाकुर साहब ने पूछा, इसका मिशन क्या है? दिल जले को फंसाना, उससे शादी रचाना? नहीं नहीं विजय भैया, एक ही झटके में मानो रहना के सारे सपने बिखर गए, मैं ये नहीं मान सकती। अब तो मुझे भी लग रहा है कि तुम ये शादी ना होने देने के लिए कोई चाल चल रहे हो। जिस आरजू ने मेरी आंखों के सामने लगभग मर गए विकास को दूसरा जन्म दिया, जो श्री सागर से विशेष प्लेन में जख्मी विकास को यहाँ लेकर आई, जिसने मेरे कदमों से लिपट लिपट कर विकास को बचाने की गुहार की, वह भला CIA की एजेंट कैसे हो सकती है? तो कहो उसे अंगूठी दिखाए। नहीं, विकास चीख पड़ा, आरजू CIA की जासूस नहीं है, बल्कि कल तक उनके इशारों पर नाचने वाली कठपुतली थी, CIA वालों ने इसे मजबूर कर रखा था। हाँ, यह अंगूठी एक ट्रांसमीटर है, कल तक आरजू इस पर CIA की चीफ से बात करती थी। ये भी सच है कि उन्होंने इसे मुझे अपने प्रेम जाल में फंसाने और शादी करने के लिए मिशन पर नियुक्त किया था, मगर ये काम ये अपनी खुशी से नहीं, मजबूर होकर कर रही थी, CIA के एजेंट के रूप में नहीं, उनकी कठपुतली बनकर। देखा लूमड़ प्यारे, हो गए ना वारे न्यारे, विजय कहता चला गया, क्या पट्टी पड़ा रखी है बस, खूबसूरत बला ने दिल जले को। ये कि पट्टी CIA की जासूस नहीं, कठपुतली है। ये सच है क्राइमर अंकल, सच यही है, विकास जी का, आरजू ने खुद मुझे कुछ नहीं बताया, पिछली रात मैंने ही इसे अमेरिका बात करते सुन लिया था, इसे पता भी नहीं था। उन बातों से जाहिर है कि अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रही थी, उन लोगों ने मजबूर कर रखा था। लगे हाँ तो ये भी बता दो दिल जले कि कैसे मजबूर कर रखा था उन्होंने इसे। शहजाद उनके कब्जे में था, विकास हकला उठा, बड़े तीखे स्वर में पूछा विजय ने, कौन शहजाद? वो विकास गड़बड़ा गया, जवाब देते ना बन पड़ा उस पर। गुटरगू क्यों कर रहे हो दिल जले, कहो तो हम बताएं कौन था शहजाद। विकास जहां ये सोचता रह गया कि विजय गुरु को इतना सब कैसे मालूम, वहीं आरजू हिस्टीरियाई अंदाज में चीख पड़ी, शहजाद मेरा पति था, हाँ हाँ कान खोल कर सुन लो सब, शहजाद मेरा पति था। सन्नाटा छा गया हॉल में,
ऐसा सन्नाटा की सुई बिगड़े तो आवाज़ बम के विस्फोट जैसी लगे। रैना, रघुनाथ और ठाकुर साहब के तो होश उड़ गए। अल्फांसे और गुलफाम भी जहाँ के तहाँ जड़बड़। कहो दिल जले, विजय ने विकास से पूछा कि अब भी शादी करने का इरादा है इससे? मुझे नहीं मालूम गुरु की ये सारी जानकारी आपको कहाँ से मिली, मगर जब सारे पत्ते खोल ही दिए हैं तो मेरी भी सुन लीजिए, भभकते स्वर में विकास कहता चला गया। मैं समझ गया कि ये बात आपने यहाँ सबको इकट्ठा करके क्यों कही। आप चाहते हैं कि ये सब भी वही चाहने लगें जो आप चाहते हैं, और मुमकिन है अपने इस मिशन में आप कामयाब हो भी गए हों। इस क्षण से पहले आप अकेले थे, ये सब मेरे साथ थे, मगर इस वक्त मैं अकेला हूँ, ये सब आपके साथ है। गुरु ठहरे आप, ऐसा कोई पैंतरा तो आपको चलना ही था, मगर कान खोलकर सुन लीजिए, इतनी आसानी से हार मानने वाला मैं भी नहीं हूँ। मेरी और आरजू की शादी होकर रहेगी। विकास, रहना चीख पड़ी, पागल हो गए हो क्या एक शादीशुदा लड़की से? मम्मी, आरजू बोली, मैं भी विकास से यही। नहीं नहीं आरजू, तुम कुछ नहीं बोलोगी, कहने के साथ झपट कर विकास ने उसका मुंह दबोच लिया। वह गुंगू करती रह गई, जबकि विकास ने रहना से कहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मम्मी, मैंने आरजू से मोहब्बत की है और मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। CIA का जो किस्सा था वह शहजाद की मौत के साथ खत्म हो चुका है। अब आरजू ना CIA की एजेंट है ना कठपुतली, अब अगर ये कोई है तो सिर्फ मेरी प्रेमिका है। सुना लूमड़ मियाँ, विजय ने कहा, अपने दिल जले ने तो मजनू के भी पर कतर दिए। विकास, रघुनाथ ने कहा, हमें ये शादी मंजूर नहीं है। तालियां, विजय ने स्वयं ताली बजाते हुए कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता पापा, मेरा फैसला अटल है। गुर्राते वक्त लड़के के चेहरे पर वही भाव थे जिसका सीधा सा अर्थ था कि अब वह किसी की भी नहीं सुनने वाला। कहता चला गया, वह ये मेरी अपनी ज़िंदगी और अपने अंदाज से जीने का मुझे पूरा हक है। बात तो ठीक है जासूस प्यारे, अल्फांसे ने विजय से कहा, ज़िंदगी हर एक की अपनी अपनी है और उसे अपने अपने अंदाज में जीना हर एक का अपना हक है। जब हम अपनी ज़िंदगी में किसी का दखल बर्दाश्त नहीं करते तो किसी और की ज़िंदगी में दखल क्यों दें? यानी तुम दिलजले के साथ हो? सच पूछो तो विरोध करने का कोई कारण नज़र नहीं आ रहा मुझे। अल्फांसे, ठाकुर साहब ने कहा, विकास की शादीशुदा लड़की से कैसे हो जाने दें? अंकल, अल्फांसे ने कहा, आपने सुना होगा, दिल आया घड़ी पर तो परी क्या चीज़ है। मेरे विचार से इस मामले में इस कहावत को पूरी तरह फॉलो करते हैं। विकास को अगर आरजू पसंद है तो इसमें कोई दूसरा कर भी क्या सकता है। आरजू के शादीशुदा होने पर जब विकास को ऑब्जेक्शन नहीं तो हमारे ऑब्जेक्शन का वजूद कहाँ रहा? प्यार मोहब्बत पूरी तरह दिल का मामला, विकास को अगर दिल से आरजू पसंद है तो होश की बात करो मियां लूमड़, ये भी साली कोई बात हुई? तुम नहीं समझ सकोगे क्योंकि तुमने कभी मोहब्बत नहीं की, और तुमने बड़ी टक्कर ली रांझी और महिवाल से। टक्कर भले ही ना लियो, लेकिन चाह तो था इरविन को। वेद प्रकाश शर्मा का पूर्व प्रकाशित उपन्यास अल्फांसे की शादी पढ़ें, जो कि अभी चैनल पर अपलोड नहीं है, जल्दी चैनल पर लेके आऊँगा। अल्फांसे की आंखों के सामने इरविन का चेहरा ना छुटा। वो लम्हे याद करके कहूँ तो दिल से यही आवाज़ निकलती है कि विकास गलत नहीं है, जिससे इंसान को सच्चा प्यार हो जाता है वह हर हाल में कबूल होती है। ऐसी तैसी में गया मोहब्बत का यह अफसाना, आँखें देखते हम लड़के को कुएं में छलांग नहीं लगाने देंगे, कहने के साथ उसने फुर्ती से रिवॉल्वर निकालकर तान दिया। शरबती आंखों वाली को छोड़ जल जले, अब तो वैसे भी हमें इसका क्रियाक्रम करने से कोई नहीं रोक सकता, बहरहाल CIA की अंगूठी पहने हुए ही है। नहीं, चीखने के साथ आरजू को अपनी बैक में कर लिया विकास ने, आप इसे नहीं मार सकते गुरु, इसे मारने से पहले आपको मेरे सीने से गोली गुजारनी पड़ेगी। रहना चीख पड़ी, विकास! अल्फांसे के बूट की ठोकर विजय के रिवॉल्वर वाले हाथ पर पड़ी। अमा क्या करते हो लूमड़ भाई? विजय के हाथ से रिवॉल्वर और मुंह से बौखलाए हुए शब्द निकले। अभी वह संभलने की कोशिश कर ही रहा था कि अल्फांसे जंप लगाकर उसे दबोचता हुआ बोला, भागो विकास! विकास ने गजब की फुर्ती के साथ रिवॉल्वर निकाला। दहाड़ा, कोई भी आगे बढ़ा तो गोली मार दूंगा। ये क्या बेवकूफ़ी है विकास? रघुनाथ दहाड़ा। विजय को अल्फांसे नहीं संभलने दे रहा था, गुलफाम फैसला नहीं कर पा रहा था कि वह क्या करे, विकास को रोके या निकल जाने दे। कुछ ऐसी ही असमंजस की हालत में ठाकुर साहब और रघुनाथ भी थे। रैना की तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। आओ आरजू, उसका हाथ पकड़कर विकास अपने कमरे की तरफ भागा। अब छोड़ लूमर, वो भाग रहा है। भागने दे, अल्फांसे ने उसे फर्श पर गिराकर दबोच रखा था। तेरी तो, कहने के साथ दोनों पैर अल्फांसे की छाती से अड़ाकर इतना तेज झटका दिया कि वह हवा में उछल पड़ा। उधर हवा में लहराने के बाद अल्फांसे फर्श पर गिरा, इधर विजय रबर के बबुए की तरह उछल कर खड़ा होगा, बल्कि जय बजरंग बली तोड़ लूमड़ की नली नारा सा लगाता हुआ अल्फांसे पर झपट पड़ा। अल्फांसे फुर्ती से करवट ले गया, विजय मुंह के बल फर्श पर गिरा, चीखा, अभय लूमड़ तोड़ दिया जबड़ा। अल्फांसे ने पुनः जंप लगाकर उसे दबोच लिया। गर्ज ये कि उसे अल्फांसे उलझाए हुए था और विकास ने आरजू सहित अपने कमरे में घुसकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। रघुनाथ, रैना और ठाकुर साहब बार बार विकास को पुकारते हुए पागलों की तरह दरवाज़ा पीट रहे थे, और गुलफाम किम कर्तव्य विमूढ़ अवस्था में खड़ा था। ये सच है कि ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि करे तो क्या करे। विकास के एक हाथ में आरजू की कलाई थी, दूसरे में रिवॉल्वर।
आरजू को लगभग घसीटता हुआ वह अपने बेडरूम की खिड़की की तरफ लपक रहा था। आरजू ने कहा, विकास ये क्या कर रहे हो तुम? विकास झटका उसकी तरफ घूमा। उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही आरजू अंदर तक हिल गई। चेहरा कनपटियों तक लोहार की भट्टी की मानन दहक रहा था। मुंह से लफ्ज नहीं अंगारे फूटे, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मगर वे सब दुश्मन बन जाएंगे, तुम्हारे अपने, मुझे परवाह नहीं। विकास गुर्रा है, सबको देख लूंगा मैं। जब वे मेरी भावनाओं की कद्र करने को तैयार नहीं तो मैं उनकी परवाह क्यों करूं? आखिर विकास अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से क्यों नहीं जी सकता? मगर तुम, विकास का लहजा अचानक गिड़गड़ाने वाला हो गया, तुम संकट के इस वक्त मेरा साथ दो आरजू, तुमने भी अगर मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं टूट जाऊँगा। प्लीज़ भूल जाओ शहजाद को, भूल जाओ CIA को, जो चैप्टर क्लोज हो गया उसे अपनी ज़िंदगी से मत चिपकाए रहो। मुझे याद रखो, मेरी मोहब्बत को याद रखो, और याद रखो ये बात कि तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया तो विकास नाम की हस्ती दुनिया से मिट जाएगी। जितनी करुणा जितनी वेदना विकास के लहजे में थी वह आरजू को थरथरा गई। उसके चेहरे पर मौजूद भावों ने आरजू को इस कदर हतप्रभ कर दिया कि मुंह से बोल ना फूट सका। दीवानगी के आलम में विकास को देखे जा रही थी वे। दूसरी तरफ से बंद दरवाजे को बुरी तरह पीटने के साथ साथ बार बार विकास को पुकारा जा रहा था। बोलो बोलो आरजू, विकास ने उसे झंझोड़ा, क्या तुम मेरा साथ देने को तैयार हो? हाँ विकास, उसके मुंह से निकला, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आरजू भावावेश में खींचकर उसने आरजू को अपने भावों में भर लिया। अंक में भीज कर कह उठा, विजय गुरु तो हैं क्या चीज़, दुनिया की कोई ताकत अब मुझे अपने इरादों से हिला नहीं सकती। दरवाज़ा टूटने वाला था। आरजू उस तरफ देखती चीखती है, विकास आओ। वह कलाई पकड़े पुनः खिड़की की तरफ लपका। उधर दरवाज़ा टूटा, इधर दोनों ने एक साथ खिड़की के रास्ते किचन लॉन में जंप लगाई। उठे संभले और चार दीवारी की तरफ दौड़ लगा दी। चारों तरफ से पकड़ो पकड़ो का शोर उभरा। रघुनाथ की कोठी पर तैनात रहने वाले पुलिसी उनकी तरफ लपके। विकास रिवॉल्वर तान कर घर जा, पीछे हटो वरना गोली मार दूंगा। पुलिसिये सहम गए। ऐसा नहीं कि उनके पास हथियार नहीं थे, मगर भला विकास पर ऐसे किसी हथियार का इस्तेमाल वे बगैर ऑर्डर के कर कैसे सकते थे जिससे उसकी जान तक जाने का खतरा हो। और इसी का लाभ उठाकर आरजू की कलाई पकड़े विकास पुनः चार दीवारी की तरफ दौड़ा। सहम कटट के पुलिसिये पुनः लपके, मगर लाभ क्या था? विकास के हाथ में रिवॉल्वर के रहते वह उसके इतने करीब नहीं पहुंच सकते थे कि उसे दबोच सके, और किसी हथियार का इस्तेमाल वे कर नहीं सकते थे। आरजू का परिचय भी उनके लिए विकास की होने वाली पत्नी का था, सो फायरिंग उस पर नहीं की जा सकती थी। इन सब हालात का लाभ उठाते हुए चार दीवारी के नज़दीक पहुंचे। एक साथ दोनों के जिस्म हवा में लहराए और दूसरी तरफ सड़क पर जगे। धाएं! तभी वातावरण में एक फायर की आवाज़ गूंजी। विकास स्वयं नहीं समझ पाया कि गोली किस दिशा से आकर उसके दाएं हाथ में मौजूद रिवॉल्वर पर लगी। रिवॉल्वर छटक कर दूर जा गिरी। अभी विकास संभल भी नहीं पाया था कि अशरफ की आवाज़ गूंजी, रुक जाओ विकास, तुम भाग नहीं सकते। आरजू और विकास ने एक साथ आवाज़ की दिशा में देखा। सड़क के उस तरफ हाथ में रिवॉल्वर लिए अशरफ खड़ा था, नाल से धुआं निकल रहा था। तभी दूसरी तरफ से विक्रम की आवाज़ उभरी, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। आरजू और विकास ने पलट कर दाईं तरफ देखा, फिर बाईं तरफ। उधर नहार था, पीछे आशा, सभी के हाथों में रिवॉल्वर नजर आ रहे थे। सड़क के उस तरफ थोड़ी दूर तीन कारें खड़ी थी। ये हमें मार नहीं सकते आरजू, धीमे से बड़बड़ाने के बाद विकास जोर से चीखा, भागो। चीखने के साथ वह कारों की तरफ भागा, आरजू साथ थी। तभी विक्रम के रिवॉल्वर ने खांसा, गोली विकास की बाईं पिंडी में धंस गई। एक चीख के साथ वह लड़खड़ाया और सड़क पर लुढ़कता चला गया। इस दृश्य को देखकर आरजू पर मानो खून सवार हो गया। उसका जिस्म किसी स्टंटमैन की तरह हवा में लहरा कर विक्रम की तरफ बढ़ता नजर आया। उस पर फायर करने की खातिर विक्रम ने अपना रिवॉल्वर वाला हाथ उधर ही घुमाया था कि आरजू के दोनों पैरों की ठोकर उसके चेहरे पर पड़ी। हलक से चीख निकालता हुआ वह सड़क पर जा गिरा, मगर तभी जाने किस दिशा से चली गोली ने रिवॉल्वर को उछाल दिया। आरजू फौरन ही तीन चार करवटें ना ले गई होती तो कई गोलियां उसके जिस्म में धंस जाती। उधर विकास ने अशरफ, नाहा और आशा का पूरा ध्यान आरजू पर होने का भरपूर लाभ उठाया। जख्मी होने के बावजूद संभलते ही उसने अपने सबसे नज़दीक मौजूद नहार पर जंप लगाई। जंप क्या लगाई, बाएं हाथ के घूंसे से उसे दूर उछाला, दाएं हाथ से रिवॉल्वर छीना। रिवॉल्वर हाथ में आते विकास ने छड़े के अंतराल से दो फायर किए। आशा और अशरफ के हाथ से रिवॉल्वर निकलकर दूर जा गिरे। सावधान अंकल, विकास दहाड़ा, रोकने की कोशिश की तो वाक्य अधूरा रह गया। पीछे से नहार ने उसकी पीठ पर इतनी जोरदार किक मारी कि विकास मुंह के बल सड़क पर जा गिरा। रिवॉल्वर जाने कहां गायब हो चुका था। इधर वे चारों निहत्ते थे, उधर विकास और आरजू, फाइटिंग शुरू हो गई उनमें। दो से आरजू उलझी हुई थी, दो से विकास। जैसा कि पाठक जानते हैं, रघुनाथ की कोठी राजनगर के सबसे शांत इलाके में थी। आम ट्रैफिक को उधर से नहीं गुजरने दिया जाता था, फिर भी अंधाधुंध चली गोलियों और इस वक्त सड़क पर हो रही फाइटिंग ने अच्छा खासा हंगामा खड़ा कर दिया था। वहां सड़क के दोनों तरफ भीड़ लग गई थी, लोग तमाशबीन बने सारा दृश्य देख रहे थे। आसपास की कोठियों में रहने वाले बालकनी में पहुंच चुके थे, और दो नमूने और थे जो इस दृश्य को बड़ी विचित्र जगह से देख रहे थे। विचित्र जगह थी, सड़क पर तीन में से एक कार की डिग्गी और नमूने थे नुसरत तुगलक। डिग्गी के ढक्कन में झर्री बनाए नुसरत ने अभी अभी कहा था, भाई तुगलक
हाँ बहन नुसरत, क्या फाइटिंग सिक्वेंस है, हॉलीवुड तक की फिल्म में देखने को नहीं मिला। हमारे साथ रहेगा तो यही मौज करेगा, दो ही शौक हैं अपने, भिड़न तो देखना और दुम दबा कर पड़े रहना। मेरे हाथ में खुजली हो रही है यार। खुजली? हम कुछ कर क्यों नहीं रहे, कूद क्यों नहीं पड़ते वो ठपटक में? दो मेजर वजूहत हैं। पहला, हमें अपनी हड्डियों का सुरमा बनवाने का शौक नहीं। दूसरा, हम पाकिस्तान के श्रेष्ठ जासूस हैं। दूसरा कारण खोपड़ी में नहीं घुसा। श्रेष्ठ जासूस बेवजह हड्डियां नहीं चटकाया करते, मौके की ताक में रहते हैं, जैसे कि हम। करेक्ट। हमें मालूम है कि अपना छटंकी किसी के काबू में आने वाला नहीं है। अंत में वह यहाँ से गाड़ी लेकर भागेगा ही भागेगा, और हम डिग्गी में हैं ही, साथ चलेंगे हम सफर बनकर। हाँ, तो जैसे स्टाम्प पेपर पर लिख कर दिया हुआ है ना छटंकी ने कि यही कार लेकर भागेगा जिसमें हम गद्दी नशी हैं। असल में इतनी देर से मैं यही सूंघ रहा हूँ। खुशबू आई है? बदबू? बदबू यानी छटंकी कोई और कार लेकर भाग गया तो हमारी जासूसी फेल। तो क्या करें, यहाँ से निकलें? फिर फुटपाथ पर बिस्तर लगाएं, उसके बाद जैसे ही छटंकी गाड़ी में घुसे हम दोनों छिपकलियों की तरह नीचे चिपक जाएं। गुड आइडिया, मगर नीचे कोई पत्थर वत्थर आ गया तो हमारा मलूदा बन जाएगा। ऐसे ही कामों के लिए तो ये सेहत मेंटेन की हुई है। गौर कर, क्या हम पेट्रोल पाइप से ज़्यादा मोटे हैं? नहीं, एक दिन नापा था मैंने। तो फिर देख क्या रहा है, निकल यहाँ से। नीचे झाड़ियों के बीच में फुटपाथ पर बिस्तर लगा। कहने के साथ नुसरत ने डिग्गी पूरी खोल दी। उधर फाइटिंग चल रही थी, इधर मैडक की तरह कूद कूद कर वे डिग्गी से बाहर। एक तरफ फाइटिंग, दूसरी तरफ उनकी कार गुजारी। किसकी क्या समझ में आना था, और वही हुआ जिसकी नुसरत तुगलक को पूरी उम्मीद थी। फाइटिंग कर रहे विकास को हर पल ये डर सता रहा था कि ज़्यादा देर हो गई तो कोठी से रघुनाथ ठाकुर साहब फोर्स और मुमकिन है अल्फांसे को परास्त करके विजय गुरु भी बाहर निकल आए। इसी डर से वह काफ़ी देर से सड़क पर पड़े एक रिवॉल्वर को कब्जाने के चक्कर में था। उससे भिड़े हुए नाहा और अशरफ उसे मौका नहीं दे रहे थे। फिर एकाएक वह रिवॉल्वर का ख्याल छोड़कर जोर से चीखा, भागो अर्जुन! चीखने के साथ वह सबसे पीछे खड़ी गाड़ी की तरफ दौड़ा। अशरफ और नाहार लपके, मगर उनके नज़दीक पहुंचने से पहले वह गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा चुका था। नुसरत तुगलक ने अपना काम किया। उधर गाड़ी की तरफ लपकना आरजू ने भी चाहा था, परंतु विक्रम और आशा ने मौका नहीं दिया। विक्रम की कार बिगड़ैल सांड की तरह उन पर झपटी। दोनों ने विपरीत दिशा में जंप लगाकर खुद को बचाया। मौके का लाभ उठाकर आरजू ने कार कपाया, अगला दरवाज़ा खोला और उसमें घुस गई। अशरफ और नाहार दूसरी कार की तरफ लपके, विक्रम और आशा तीसरी कार की तरफ। मौत का दावा बनी विकास की कार जिस तरफ लपकी, उधर की भीड़ ने काई की तरह फट कर उसे रास्ता दिया, और फिर उसी रास्ते से सर्र सर्र करती दो कारें और उसके पीछे लपकी। एक की ड्राइविंग सीट पर अशरफ था, दूसरी पर आशा। दांतों पर दांत जमाए विकास बड़बड़ाया, ये लोग आसानी से पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। काश, आरजू बोली, हमारे पास एक रिवॉल्वर होता। पापा और नाना ने वायरलेस पर सारे शहर की पुलिस को अलर्ट कर दिया होगा। विकास का दिमाग गाड़ी से तेज चल रहा था। हम शहर से बाहर नहीं निकल सकते आरजू। आरजू बेचारी क्या जवाब देती, दोनों गाड़ियां बराबर पीछे लगी थी। विकास की गाड़ी के नीचे चिपके नुसरत ने कहा, एक बात माननी पड़ेगी तुगलक बहन। वो क्या नुसरत भैया, अपना छटंकी निकला पक्का आशिक, सो तो है, कितनी गोलियां चली, उठा पटक हुई, अड़ा हुआ है वो भी तो, अड़े हुए हैं साले, पीछे ही नहीं छोड़ रहे। आँख के इशारे से तुगलक ने पीछा कर रही कारों के बारे में कहा। अड़े रहने दे, हमारे बाप का क्या जाता है, जाता क्यों नहीं, उनमें से किसी ने छटंकी की लवर का जनाजा उठा दिया तो हमारी प्लानिंग फेल। कौन सी प्लानिंग? गुरुदेव के कर कमलों द्वारा छटंकी की लवर का जनाजा उठवाने वाली? हाँ यार, ये बात तो दिमाग से रपटी गई, सूंघने वाली बात है। ये महान काम इनमें से किसी ने कर दिया तो छटंकी उसी की तिक्का बोटी अलग कर देगा और मामला फिनिश। गुरुदेव और छटंकी के युद्ध का जो नज़ारा देखने को आंखें तरस रही हैं, वे तरसती रह जाएंगी। अजी, ऐसे कैसे मामला फिनिश हो जाने दूंगा मैं? क्यों, तू क्या हथेली लगा लेगा? देख, तेल देख और तेल की धार देख, एक हाथ से रॉड कब जाए, दूसरा हाथ जेब में डाला, क्या कर रहा है, एक्शन। कहने के साथ उसने ढेर सारी कीने सड़क पर बिखेरनी शुरू कर दी। अबे, अब तो पिंड छोड़ लूँ मर, विजय अल्फांसियो को अपने ऊपर से उछालता हुआ बोला। दिल जला तो साला मीलों दूर निकल गया होगा। अल्फांसियो एक सोफे से उछलकर फर्श पर गिरा था, उछलकर खड़ा हुआ, मगर इस बार हर बार की तरह झपटकर विजय को दबोचा नहीं, बल्कि अपने कपड़ों से धूल सी झाड़ता बोला, ठीक कहा जासूस प्यारे, अपना काम हो गया, अब चाहे जहाँ मस्ती मार। साला चीचड़ी की तरह चपट गया था। विजय भी उछलकर खड़ा होता बड़बड़ाया, फिर सीधा अल्फांसे से बोला, शर्म कर लूमड़, कुछ तो शर्म कर, लौंडे की शादीशुदा औरत से कराएगा। मुझे सिर्फ एक बात से मतलब है, ये कि वह विकास को पसंद है और उसने मुझे यहाँ अपनी मदद के लिए बुलाया था। कहने के साथ उसने एक सोफ़ा चेयर ठीक की और धम्म से उस पर बैठ गया। हॉल का सारा फर्नीचर उनकी उठापटक के कारण उल्टा सीधा पड़ा था।
विजय ने अभी तक किम कर्तव्य विमूढ़ अवस्था में खड़े गुलफाम से कहा, तू क्यों शतुर्मुख की तरह गर्दन अकड़ाए खड़ा है प्यारे? मानो तंद्रा भंग हुई गुलफाम की, बोला, मास्टर समझ में नहीं आ रहा किसका साथ दूं, तुम्हारा या विकास का। विजय ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि रैना, रघुनाथ और ठाकुर साहब भदवास हालत में अंदर आए। ठाकुर साहब ने कहा, बाहर लोगों का कहना है कि चार व्यक्तियों ने रोकने की भरपूर कोशिश की, मगर वे एक गाड़ी लेकर फरार हो गए। एक जैसे कपड़े पहने दो पतले आदमी विकास और आरजू की कार के नीचे घुसे थे। हल्की सी मुस्कान के साथ अल्फांसी से विजय ने कहा, एक जैसे कपड़ों वाले पतले आदमियों का मतलब समझे लूँ मैं? तुम समझा दो, वे नुसरत तुगलक होंगे। वे अल्फांसी चौका, वे यहाँ क्या कर रहे हैं? विजय ने जवाब देने की जगह रघुनाथ की तरफ ध्यान दिया, जो वायरलेस पर चीख चीख कर सारे शहर की नाकाबंदी करा रहा था। रैना अल्फांसी का गिरेबान पकड़कर झंझोड़ती हुई चीखी, अल्फांसी भैया तुम्हें आखिर हो क्या गया? उसे ये बेवकूफ़ी करने से रोको, दुनिया की सारी कुंवारी लड़कियाँ क्या मर गई हैं? विजय मुस्कुरा उठा, अपने हक में माहौल बनाने में कामयाब रहा था। एक टूटे फूटे खंडर में मौजूद आरजू ने पूछा, ये हम कहाँ गए विक्की? विक्की, विकास ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और खुशी से झूमता बोला, तुमने मुझे विक्की कहा आरजू? विक्की कहा मुझे? हाँ विक्की, हाँ, और ये नाटक नहीं है। उफ आरजू उफ, उसे गोद में भरकर नाची जो उठा विकास, पर विक्की क्या हमारे लिए इतना खुश होने का वक्त आ गया है? नहीं, अभी नहीं, उसे बाहों से मुक्त करते विकास ने गंभीर स्वर में कहा, यह शहर हमारे लिए कैद खाने की शक्ल ले चुका है, हर पुलिस वाले को हमारी और सिर्फ हमारी तलाश होगी। विजय गुरु पूरी ताकत से हमें ढूंढने में लगे होंगे, मगर फिक्र मत करो, तुम्हारा प्यार साथ है तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। क्या हम यहाँ सुरक्षित हैं? आरजू ने चारों तरफ देखते हुए पूछा। जंगल के बीच बना किसी बहुत पुराने किले का टूटा खंडहर था ये, हर तरफ सन्नाटा, साय साय की आवाज़ करके बह रही हवा, टूटी हुई बुर्जियों और उन पर उगी जंगली घास को देखते विकास ने कहा, ये किला शाहजहाँ ने बनवाया था, उसने जो मुमताज़ से बेइंतहा मोहब्बत करता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी इन हालात में मुझे खुद यहाँ पनाह लेनी पड़ेगी। गाड़ी हम इतनी दूर छोड़ आए हैं कि कोई एकदम से हमारी यहाँ मौजूदगी की कल्पना नहीं कर सकता। फिर भी विजय गुरु वो चीज़ है जो जिसे चाहते हैं पाताल से ढूंढ निकालते हैं, तो आओ कोई छुपने की जगह तलाशें, ऐसी जगह जहाँ पहुँचने के बाद किसी की नज़र हम पर आसानी से ना पड़े। आरजू चुप रही, सुरक्षित जगह की तलाश में सारा खंडहर छान मारा उन्होंने। एक कमरा मिला जिसकी छत अभी तक महफूज थी, दो दरवाजे थे, एक बड़ी सी खिड़की, पल्ले किसी में नहीं। एक दरवाज़ा पूरब की तरफ था, दूसरा पश्चिम की तरफ, खिड़की उत्तर की तरफ थी। पूरब की तरफ जो दरवाज़ा था वह एक ऐसी बारादौरी में खुलता था जिसकी छत जगह जगह से टूटी हुई थी, जगह जगह मलबा पड़ा था और मलबे पर उगी थी जंगली घास। पश्चिमी वाले दरवाजे के पार खुला था आसमान था, खंडहर की पिछली साइड थी। कमरे का फर्श गंदा तो था मगर मलबा नहीं था, वहाँ पुराने पत्थरों का प्लेन फर्श था, एक चबूतरा सा बना हुआ था। उस पर बैठते विकास ने कहा, अचानक खंडहर में आ गए व्यक्ति को यहाँ मौजूद हम भले ही ना चमके, मगर कोई खोजने के नज़रिए से ही आ घुसा तो ये जगह सुरक्षित नहीं है, वैसे भी हम यहाँ छुपकर कब तक रह सकते हैं? विकास की पेशानी पर चिंता की लकीरें खिंच गई, बड़बड़ाया, वाकई हम यहाँ दो चार घंटे से ज़्यादा महफूज नहीं हैं, और चारों तरफ फैले अंधेरे के बीच रोशनी की अब एक ही किरण है, क्राइमर अंकल। यकीनन वे इतने हुनरबाज हैं कि विजय गुरु के सभी पैतरों को धता बताकर हमें इंडिया से निकाल सकते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि हम कहाँ हैं? दिमाग पर जोर डालते विकास ने कहा, उनसे संपर्क स्थापित करना होगा। कैसे? फ़ोन ही एक माध्यम है, लेकिन फ़ोन यहाँ? आरजू, एकाएक विकास को जैसे कोई आइडिया सूझा, तुम कुछ देर यहाँ अकेली रहने में डरोगी तो नहीं? क्या बात कर रहे हो विक्की, पहले भी कह चुकी हूँ मैंने सारा जीवन वीरानों में गुजारा है, मगर तुम करना क्या चाहते हो? मुझे यहाँ अकेले रहने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? मैं किसी PCO पर जाकर क्राइमर अंकल से बात करना चाहता हूँ। तुम्हारा यहाँ से निकलना खतरनाक होगा, खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। तुमने ठीक कहा, यहाँ कब तक रहेंगे? इंडिया से निकलना होगा, और ये काम केवल क्राइमर अंकल कर सकते हैं। जहाँ तक खतरे की बात है, फिक्र मत करो, खतरों से गुजर कर अपना काम करना मुझे आता है। आरजू चुपचाप उसकी तरफ देखती रही। उधर विकास खंडहर से निकला, इधर नुसरत ने तुगलक से कहा, भैया मौका वेरी गुड है नुसरत बहन। काहे का मौका? छटंकी की माशू का खलास? तो आओ निपटाते हैं कलेश। अकल से पैदल है क्या? हम कलेश निपटाएंगे तो छटंकी हमारा बैंड बजा देगा। अकल से पैदल होगा तू, नुसरत ने कहा। सारा काम ऐसे सेंटी फ्लैट तरीके से करूँगा कि छटंकी को गुरुदेव का ही किया नजर आएगा। पाकिस्तान के नंबर वन जासूस के हम वैसे ही हैं। तू कोलू का बैल है, कोलू का बैल रहेगा। अबे जब गुरुदेव लौंडिया का कुंडा करने के लिए फड़फड़ाते घूम रहे हैं तो हमें रिक्शा लेने की क्या ज़रूरत है? रिक्शा नहीं, रिस्क। हाँ वही, मगर यार गुरुदेव को क्या पता कि इस वक्त मौका सबसे अच्छा है, वो अकेली है, मरने के लिए फिट। हम किस खेत के दबथवे हैं? हम बताएंगे गुरुदेव को। वो कैसे?
ये देख झुंझुना, जेब से माचिस जितना बड़ा ट्रांसमीटर निकालकर उसे दिखाते नुसरत ने कहा। गुरुदेव के गले में 24 घंटे तावीज लटका रहता है, मुझे उसकी घंटी बजानी आती है। तो वेस्ट क्यों कर रहा है कीमती टाइम, बजा दे अलार्म। तुगलक की सलाह की आवश्यकता कहाँ थी नुसरत को, पट्टा पहले से ही विजय के ट्रांसमीटर की फ्रिक्वेंसी बनाने की कोशिश कर रहा था। 2 मिनट बाद बोला, लो बज गया दीन ए इलाही के इंसाफ का घंटा। कौन दीन ए इलाही, तुगलक में पूछा। नुसरत तुगलक को जवाब देने की जगह ट्रांसमीटर पर कह रहा था, हेलो हेलो गुरुदेव। ओ तो तुम बोल रही हो नुसरत बहन, विजय की आवाज़ उभरी। कहो कहाँ है अपना दिल जला। अमां, ट्रांसमीटर के माउथ पीस पर हाथ रखकर नुसरत ने तुगलक से कहा, गुरुदेव तो यार पहुँचे हुए संत मालूम पड़ते हैं, सीधे पूछ रहे हैं कहाँ है अपना दिल जला, जैसे खबर हो कि हमने उसी की खबर देने के लिए घंटी बजाई है। ला मुझे दे, ट्रांसमीटर उससे लेते हुए तुगलक ने कहा। गुरुदेव ने इंक्वायरी समझ रखा है। ओ तुगलक भैया बोल रहे हैं? हाँ बोल रहे हैं, और आपके रोके रुकने वाले नहीं हैं, बोलना हमारा खानदानी पेशा है। तो बताओ कहाँ है दिलजला? वो तो फ़ोन करने गया है क्राइमर अंकल को। छटंकी यहाँ की, छटंकनी यहाँ अकेली है। कहाँ? पहले तुम बताओ कैसे पता लगा कि हमें छटंकनी का पता होगा। दूसरी तरफ से कहा गया, मेरा कोई मूड नहीं है बताने का। तो ठीक है, अपना भी मूड नहीं है। अबे सुन, नुसरत ने तुगलक से ट्रांसमीटर छीना, माउथ पीस पर हाथ रखकर बोला, उनके मूड की बात दूसरी है, हमने यहाँ का पता नहीं बताया तो प्लानिंग में पंचर हुआ समझ। कहने के बाद तेजी से माउथ पीस से हाथ हटाता हुआ बोला, इसे छोड़ो गुरु, मुझसे बात करो। चटंकी के दुश्मन हम भले ही चाहे जितने बड़े सही, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि हम उसकी शादी एक शादीशुदा औरत से हो जाने थे, इसलिए इंसाफ का घंटा बजाया? तुम खुद क्यों नहीं रोक लेते? मजाकियों से मजाक मत करो गुरुदेव, आप जानते हैं हमारा वैसे ही छटंकी के सामने पेशाब निकलता है, रोकना और समझाना तो बहुत दूर की बात है। उसे इल्म भी हो गया कि हम आसपास मंडरा रहे हैं तो कीमा बना देगा हमारा, इसलिए छुपे छुपे फिर रहे हैं, जो फर्ज है उसे अदा कर रहे हैं, यानी कि आपको इतला कर रहे हैं। तो ढंग से करो, इस वक्त वे कहाँ हैं? छटंकनी औरंगजेब द्वारा बनाए गए खंडहर में है, और छटंकी अंतर्राष्ट्रीय पहुँची हुई वस्तु को फ़ोन करने गया है। इनका इरादा इंडिया से फुर होने का है। छटंकी कह रहा था इस काम में सिर्फ क्राइम अंकल मदद कर सकते हैं। शरबती आंखों वाली क्या कर रही है? हमें नहीं पता, इतने नज़दीक जाने का रिक्शा हम नहीं ले सकते, वह हमें देख लेगी। पूरी है वो अभी, हमने सड़क पर फाइटिंग करते देखा था उसे, अकेली हम दोनों का आमलेट बनाकर चट कर सकती है। मैं पहुंच रहा हूं, कहकर दूसरी तरफ से संबंध विच्छेद कर दिया गया। पहुंचो, कहने के साथ नुसरत ने ऑफ का स्विच दबाया और बोला, लो तुगलक बहन, आ रहा है जल्लाद। क्या पता जल्लाद आ रहा है या एक मिस्टेक कर दी तूने। क्या? साफ साफ क्यों नहीं कहा कि आओ गुरुदेव और क्लेश खत्म कर दो छटंकनी का? अब क्या पता वे इसे मारें या कुछ और करें, यदि कुछ और किया तो हमारी तो फिर गया ना प्लानिंग पर वाटर। तू क्या गुरुदेव का इतना बेवकूफ़ समझता है कि भाई वह करेंगे जो हम कहेंगे? अगर सीधे सीधे कहते तो उल्टा वे ये सोचने पर मजबूर हो जाते कि हम उनके कर कमलों द्वारा छटंकनी का क्लेश क्यों निपटवाना चाहते हैं। हमने केवल ये कहा कि उन्हें इंडिया से फुर होने से रोक सकते हैं तो रोक लें। महान जासूस वे होते हैं तुगलक बहन, जो अपने हाथ से कुछ ना करें, अपने मुंह से गलत बात ना निकालें, मगर हालात वैसे बना दें कि वही हो जो वह चाहते हैं। जरा खोपड़ी भेड़ा, उन्हें रोकने का गुरुदेव के पास इसके अलावा और रास्ता ही क्या है कि वे छटंकनी का क्रियाक्रम कर दें। वैसे भी अब तो अपने इस कृत्य को उन्हें लगभग सभी का समर्थन मिलेगा, कई किलो वजन है तेरी बात में। तो आ ज़रा देखे छटंकनी क्या कर रही है, उसने देख लिया तो नहीं देखेगी, हम हैं ही इतने फितरती कि केवल तब नज़र आते हैं जब चाहते हैं कि नज़र आएं। इस सेंटेंस के बाद दोनों की जुबानों में मानो एकदम ब्रेक लग गया। दबे पांव उस कमरे की तरफ बढ़े जिधर आरजू थी। चींटी के रेंगने से आवाज़ उत्पन्न हो सकती है, मगर उनके चलने से नहीं हो रही थी। दोनों खिड़की के नज़दीक पहुंचे, भव्य मटकाकर एक दूसरे से कहा कि तू देख। अंततः तुगलक ने देखा, देखते ही चेहरा पुनः नीचे खींच लिया। नुसरत ने आंखों से पूछा, क्या देखा? तुगलक ने वहां से दूर चलने का इशारा किया। दोनों विपरीत दिशा में सरक ली। जब कमरे से काफ़ी दूर आ गए तो नुसरत ने कहा, अब तो मुँह फाड़। तुगलक ने कहा, वेद प्रकाश शर्मा के पेट पर लात मारने की तैयारी कर रही है, मतलब उपन्यास लिख रही है शायद। विजय की कार खंडहर के टूटे फूटे विशाल गेट के बाहर रुकी। तेजी से बाहर निकलने के साथ उन्होंने जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया था। हालांकि ये ज़रूरी नहीं था कि खंडहर में गेट से ही घुसा जाए, क्योंकि चार दीवारी की जगह 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 से टूटी पड़ी थी, परंतु विजय गेट से ही घुसा। चारों तरफ छाए सन्नाटे का जायजा लेता हुआ वह भी मुश्किल से 20-25 कदम ही अंदर जा पाया था कि अचानक दो टूटे हुए थंबों के पीछे से नुसरत तुगलक प्रकट हुए। उनके हाथों में भी रिवॉल्वर थे। विजय ठिठका, पूछा, उलझने का इरादा है? आपसे उलझ कर मरना है, नुसरत ने कहा। फिर ये रिवॉल्वर? तुगलक ने कहा, बैलेंस बराबर रखना पड़ता है। आपके हाथ में भी है ना? ओ, कहने के साथ विजय ने अपना रिवॉल्वर जेब में रख लिया। उनके रिवॉल्वर भी इस तरह अचकन में गए जैसे एक ही स्विच से हरकत में आने वाले पुतले हों।
और फिर दोनों ने एड़ी बजाकर इस तरह सल्यूट दिया जैसे गार्ड ऑफ ऑनर दे रहा हूँ। नुसरत ने कहा, हालांकि छटंकी हमारा दुश्मन नंबर वन है, हमारा जन्म ही उसका जनाजा उठाने के लिए हुआ है और इस वक्त हमारे पास गोल्डन चांस था। फिर चूक क्यों गए? विजय मुस्कुराया, आखिर वह दुनिया का जासूस नंबर वन है, जनाजा जब भी निकलेगा धूम से निकलेगा। तुगलक ने कहा, और हम खानदानी आदमी हैं, ये नहीं कि वह बेचारा अपनी प्रॉब्लम में उलझा और हम अपना काम निपटा दें। जब भी निपटाएंगे शान से निपटाएंगे, आन बान से निपटाएंगे। नुसरत ने तुक मिलाई, अब क्या चाहते हो? वही जो आप चाहते हैं, हमें एक शादीशुदा औरत को भाभी कहना मंजूर नहीं। छटंकी तो समझने को तैयार नहीं, जाकर उसे समझाइए, प्यार से मनाइए। तुगलक ने दिल की बात कह दी थी, ना माने तो कमाइए, मानेगी कैसे नहीं। नुसरत ने तुगलक के सेंटेंस को रफा दफा करने की मंशा से तेजी के साथ कहा, ऐसा भला हो सकता है कि गुरुदेव किसी को समझाएं और बात सामने वाले के भेजे में ना घुसे? होता है, इश्क आदमी को निकम्मा कर देता है। इसे बकने दो गुरुदेव, आप निकलो, छटंकी आ गया तो सारा गुड़ गोबर कर देगा। विजय की इच्छा हुई कि पहले इन्हीं से निपट ले, फिर ये सोचकर इरादा त्याग दे कि यदि वाकई विकास काम खत्म होने से पहले लौट आया तो दोनों जमूरे उससे निपटने में काम आएंगे। पूछा, शरबती आंखों वाली कहा है? खंडहर का पूरा भूगोल समझा दिया तुगलक ने। ध्यान रखना, विजय ने कहा, जब तक मैं ना लौटूं तब तक उधर किसी को मत आने देना। हम तो पहले से ही ये सोचकर यहाँ डटे हुए हैं, नुसरत ने कहा। तुगलक ने बोला, फिक्र ना करें, अड़े हुए हैं, इन थंबों के पीछे खड़े हुए हैं। कहने के साथ वे पुनः उन्हीं थंबों के पीछे गुम हो गए जहाँ से प्रकट हुए थे। एक पेड़ के ऊपर चढ़ा विकास पत्तों के बीच छुपा बैठा था। निगाह हर पल उस रास्ते पर थी जिससे गुजरे बगैर खंडहर में नहीं जाया जा सकता था। चेहरे पर उदासी थी, ऐसी उदासी जैसे उसका सब कुछ लुट चुका हो। जाने क्यों आंखों में रह रहकर आंसू भर जाते थे, आंखों की सीमा तोड़कर गालों पर ढलक जाने वाले आने वाले आंसुओं को वह बार बार अपने रुमाल से पोंछता और नजरें पुनः रास्ते पर गड़ा देता। चेहरे पर मौजूद भाव उस वक्त चेंज हुए जब उसे दूर से अपनी 1000 अतिथिकन नजर आई। जबड़े कस गए, यूं जैसे किसी बड़े मिशन पर निकलने का दृढ़ संकल्प कर लिया हो। फोन पर अल्फांसे ने कहा था, मैं तुम्हारी कार से वहां पहुंच रहा हूं, और अब अपनी कार देखकर विकास समझ सकता था कि अल्फांसे गुरु ही होंगे। कार आंधी तूफान की तरह इधर ही दौड़ी चली आ रही थी। विकास पेड़ से सीधा सड़क पर कूदा, उधर ड्राइविंग सीट पर मौजूद अल्फांसे ने जोर से ब्रेक मारे। टायरों की चरमराहट के साथ गाड़ी विकास के एकदम नज़दीक रुकी। विकास तेजी से लपका, बाएं तरफ वाला अगला गेट खोलकर धम्म से सीट पर गिरा और सेकंड के 100वें हिस्से के लिए रुकी कार फिर एक झटके के साथ आगे बढ़ गई। अल्फांसे ने कहा, फ़ोन पर यहाँ मिलने की बात तो नहीं हुई थी? मैंने सोचा आप आते ही होंगे, साथ निकल जाऊँगा। यानी फ़ोन करने के बाद खंडहर की तरफ गई नहीं? नहीं, इतनी देर आरजू का अकेली नहीं छोड़ना चाहिए था। आप मेकअप का सामान लाएँ, विकास ने बात बतली, इस बॉक्स में। अल्फांसे ने उसके कदमों में रखे बॉक्स की तरफ इशारा किया। बॉक्स उठाकर घुटनों पर रखते विकास ने पूछा, और टिकट पासपोर्ट और वीज़ा, तीनों चीज़ें इकराम नाम का एजेंट तुम्हें एयरपोर्ट पर दे देगा। टिकट कहाँ के? बैरूत के। विकास ने बॉक्स खोला, मेकअप के सामान के साथ उसमें दो फोटो भी थे, एक मर्दाना दूसरा जनाना। विकास उन्हें अभी देख ही रहा था कि ड्राइविंग करते अल्फांसे ने कहा, ये मिस्टर और मिसेस सुमेर हैं, इन्हीं का मेकअप करना है तुम दोनों को। मेकअप आप करेंगे? ऐसा कि विजय गुरु भी पहचान ना सके। पक्का? विकास उलट पुलट कर बॉक्स में मौजूद सामान का निरीक्षण करने लगा। जाने क्या सोचते हो, अल्फांसे ने गंभीर स्वर में कहा। विकास वह बॉक्स में मौजूद सामान को ध्यान से देख रहा था। हालांकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और अंतिम दम तक रहूँगा, उस विश्वास को नहीं तोड़ूंगा जिसके साथ तुमने मुझे इंडिया बुलाया, मगर दिल में जो है उसे कहने से ना पहले कभी चूका हूँ ना आज चूकूंगा। विकास का ध्यान बॉक्स से हटा, ध्यान से अल्फांसे को देखते पूछा, क्या कहना चाहते हैं? मैंने तुम दोनों से बात की, हालांकि तुम्हारी ये बात अपनी जगह ठीक है कि मोहब्बत के बगैर आदमी ज़िंदा नहीं रह सकता। जिस ज़िंदगी में इसका रंग नहीं वो नीरस है, और इस बात में भी पूरा दम है कि जब तुम्हें आरजू से सच्ची मोहब्बत हो ही गई है तो अब वापस लौटना बेहद कष्टप्रद है, मगर इस सब के बावजूद मैं ज़हनी तौर पर विजय से सहमत हूँ। तुम्हें विजय ने बल्कि मैंने भी कभी एक आम आदमी बनाने की नहीं सोची। तुम्हारा निर्माण वन मैन आर्मी के रूप में किया गया था। यकीनन तुम उस दुनिया के वाशिंदे हो जिसे कलेजे पर पत्थर रखकर आम आदमी वाली ज़िंदगी से सुख चैन आदि सबको ठोकर मारनी होती है। जो कर रहे हो वो तुम्हारी अपनी मर्जी है और मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन जब फुर्सत मिले ठंडे दिमाग से सोचना ज़रूर कि विजय ये सब क्यों कर रहा है। उसका अपना कोई स्वार्थ है या तुम्हारा ही भला चाहता है? उसका स्वार्थ अगर कोई है तो सिर्फ इतना कि तुम उसके शिष्य हो, और दुनिया में जब तुम्हारी तारीफें होती हैं तो फ़ख्र से सीना उसका चौड़ा होता है, ठीक उसी तरह जैसे बेटे की तरक्की बाप की गर्दन अकड़ा देती है। और
इन सबसे आगे दो टूक बात यह है कि विकास, कि तुम स्वार्थ की खातिर उससे उलझे हुए, जबकि उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। जाने क्यों विकास अल्फांसे के घुटनों पर सिर रखकर फपक पड़ा। अल्फांसे चौंका, थोड़ी देर के लिए ड्राइविंग से ध्यान हटा। विकास बच्चों की तरह रो रहा था। ध्यान पुनः ड्राइविंग पर केंद्रित करते अल्फांसे ने कहा, अरे पागल हो गए हो क्या विकास, रोने क्यों लगे? सबको विजय गुरु ही ठीक लगते हैं, रोते हुए उसने बेहद दर्दीले स्वर में कहा। सबको? पागल, मेरे अलावा कौन सहमत है उससे? सब, सारी दुनिया, सब उन्हीं से सहमत है अंकल। नहीं, मैं उस वजह से सहमत नहीं हूँ जिस वजह से रहना बहन रघुनाथ या ठाकुर साहब हुए। मेरी नज़र में आरजू के शादीशुदा होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो तेरे भविष्य को लेकर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता गुरु की कौन किससे क्यों सहमत है। बस इतना जानता हूँ कि अब तो लगता है कि मैं खुद भी विजय गुरु से सहमत हूँ। सही वे ही हैं, मैं ही गलत हूँ। पगले, अल्फांसे ने अपने बाएं हाथ से उसका गाल थपथपाया। तू तो मन भारी करने लगा, यह मतलब नहीं था मेरा, घबराता क्यों? मैं साथ हूँ ना, वही होगा जो तू चाहेगा। चीख चीख कर अभी विकास कुछ कहने ही वाला था कि अल्फांसे चौंका, मुंह से निकला, अरे विजय की कार? अल्फांसे की गोद में उछल पड़ा विकास। वाकई खंडहर के गेट के बाहर विजय की कार खड़ी नजर आ रही थी। अल्फांसे बड़बड़ाया, इसका मतलब वो हमसे पहले यहाँ पहुँच चुका है। तेज, विकास चीखा, क्रमांकर तेज चलो। अल्फांसे पहले ही पूरा एक्सीलेटर दबा चुका था, जबड़े भिंचे हुए थे। और फिर ये लिखा जाए तो गलत नहीं होगा कि विकास की कार पलक झपकते ही टायरों की भयंकर चरमराहट के साथ विजय की कार के पीछे रुकी। दोनों एक साथ अपने अपने दरवाजों से कूदे, आंधी तूफान की तरह खंडहर में दाखिल हुए। मुश्किल से 10-15 कदम अंदर पहुंच पाए थे कि ठटक जाना पड़ा। पैरों को मानो ब्रेक लग गए, बुरी तरह चौंके थे वे। कानड़ दे थंब के पीछे से अचानक सामने आ गए नुसरत तुगलक। तुम? दोनों के मुंह से एक साथ निकला। दोनों के हाथ में रिवॉल्वर थे। नुसरत ने कहा, रुकावट के लिए खेद है, प्रवेश निषेध है। तुगलक बोला, क्यों? विकास दहाड़, बड़े आराम से कहा नुसरत ने, अंदर मर्डर कार्यक्रम चल रहा है और तुम पहरे पर हो, अल्फान से गुर्राया। तुगलक बोला, जहां गुरुदेव ने फिट कर दिया। ओह, पाकिस्तान की जगह विजय के लिए काम करना शुरू कर दिया। हरामजादों, कुत्तों, पगलाए हुए विकास ने रिवॉल्वरों की परवाह किए बगैर उन पर जंप लगा दी। उन्होंने फायर किए मगर संग आर्ट का माहिर विकास हवा में खुद को गोलियों से बचाता तुगलक के ऊपर जा गिरा। अल्फांसे नुसरत पर जंप लगाता हुआ चीखा था, तो अंदर जाओ विकास, मैं इन दोनों को देखता हूँ। अजी अंदर कैसे जाएगा छटंकी, हम जो खड़े हैं रहा हूं मैं। तुगलक ने अंदर की तरफ भाग रहे विकास पर जंप लगा दी। विकास के जंप पर वह गिरा जरूर, लेकिन ठीक उस तरह लौट कर वापस आया जैसे रबर की गेंद दीवार से टकरा कर वापस आती है। इधर नुसरत अल्फांसे से उलझा हुआ था। तुगलक ने फिर अंदर की तरफ दौड़ रहे विकास के पीछे लपकना चाहा। अल्फांसे ने नुसरत को सिर से पकड़कर उठाकर तुगलक पर खींच मारा। दोनों एक दूसरे से गुथे, गुड़मुड़ होकर पत्थरों पर गिरे। तीर की तरह हवा में सन्नाता हुआ अल्फांसे उनके पार वहां पहुंचा जहां से गुजरे बगैर वे विकास के पीछे नहीं जा सकते थे। दोनों ने एक साथ खड़े होकर जब यह सिचुएशन देखी तो तुगलक नुसरत पर बिगड़ पड़ा। मैंने पहले ही कहा था सरकार से मत उलझ, उलझ अंतर्राष्ट्रीय दुनिया की पहुंची हुई वस्तु है ये। साले, नुसरत भड़का, तुझसे तो छटंकी नहीं संभला, निकल गया यहाँ से और बातें मुझे बना रहा है। अबे जब तू गेहूं के बोरी की तरह मेरे ऊपर आकर पड़ेगा तो कैसे रोक लूंगा उसे? मैं खुद आकर नहीं पड़ा, नुसरत ने अल्फांसे की तरफ इशारा किया, इन्होंने फेंका था। इसने? तुगलक ने अल्फांसे को घूरा, क्यों बे इतनी हिम्मत हो गई तेरी? नुसरत जल्दी से बोला, ओए ओए क्या बोल रहा है, जानता नहीं कहने, अभी इंट्रोडक्शन देता हूँ। कहने के साथ अल्फांसे ने तुगलक को कुछ कहने का मौका दिए बगैर उस पर जंप लगा दी। वह जानता था कि इन्हें बकवास करने का मौका देना हमेशा खतरनाक होता है। वो मौका अल्फांसे ने दिया ही जो नहीं, एक के बाद एक दोनों पर इतनी फुर्ती से वार करता रहा कि दोनों में से किसी को विकास के पीछे लपकने का मौका तो दूर, संभलने तक का होश नहीं मिला, लहूलुहान हो गए दोनों। तभी खंडहर में एक फायर की आवाज़ गूंजी, उसके साथ गूंजी आरजू की चीख और चीख के साथ गूंजी विकास की दहाड़, गुरु ये क्या किया तुमने? और बस उसके बाद की कोई आवाज़ ऐसी नहीं थी जो बाहर तक आई। उन आवाज़ों को सुनकर क्षण भर के लिए तीनों की हरकतों में ब्रेक लग गए। एकाएक नुसरत बोला, या परवरदिगार हो गया बेड़ा पार। तुगलक ने तान मिलाई, भागो, चीखने के साथ नुसरत ने घूमकर खंडहर के बाहर की तरफ दौड़ लगाई। तुगलक उसके पीछे था। अल्फांसे दोनों पर झपटा, उनमें से एक को दबोचा भी उसने, लेकिन चिकनी मछली की तरफ फिसल कर फिर भागा। अब मामला उल्टा था, वे अल्फांसे से उलझने की जगह भागने में इंटरेस्टेड थे। अल्फांसे शायद उन्हें भागने भी नहीं देता, लेकिन तभी अंदर की तरफ से भागते कदमों की आवाज़ आई। विकास की चीख उभरी, रुक जाओ गुरु, रुक जाओ। अल्फांसे पीछे की तरफ पलटा,
तेजी से दौड़कर इस तरफ आ रहे विजय पर नजर पड़ी। उसके हाथ में रिवॉल्वर था, चेहरे पर कठोर था। अभी ठीक से कुछ समझ भी नहीं पाया था कि ठाए विजय के रिवॉल्वर से शोला लपका। अल्फांसे ने तेजी से नीचे झुककर खुद को बचाया। दौड़कर विजय ने उसकी बगल से निकल जाना चाहा, मगर अल्फांसे ने अपनी टांग अड़ा दी। हवा में उछलकर विजय एक पत्थर से टकराया। तभी चीखता चिल्लाता विकास वहां पहुंचा। क्राइमर अंकल, इन्होंने मेरी आरजू को मार डाला, मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अल्फांसे दंग रह गया। विजय पुनः उठकर भागा। बाहर से गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज आई। विकास विजय के पीछे था। विजय घूम कर गरजा, रुक जा दिल जले, गोली मार दूंगा। चलाओ गोली चलाओ गुरु, अर्ध विच्छिप्त अंदाज में दहाड़ता विकास उस पर झपट पड़ा। गोली चली जरूर, लेकिन ऐन वक्त पर विकास के वहां से उछल पड़ने पर लगी नहीं, जबकि जख्मी चीते की तरह वह विजय के जिस्म से टकराया था। एक दूसरे से गुथे दोनों पथरीले ढलान पर लुढ़कते चले गए। इस सूचना ने अल्फांसे को ठीक उसी तरह किम कर्तव्य विमूढ़ कर दिया था जैसे गुलफाम हुआ था कि विजय ने आरजू को मार डाला है। यह सच है, वह फैसला नहीं कर सका कि विजय का साथ दे या विकास का। विकास पूरी तरह पगलाया हुआ नजर आ रहा था, कम आक्रामक मूड में विजय भी नहीं था। तभी विकास के जिस्म को उसने हवा में लहराते देखा। इधर विकास जमीन पर आकर गिरा, उधर विजय आप वापस उठकर भागा। विकास चीखा, उन्हें पकड़ो क्राइमर अंकल। अल्फांसे लपका जरूर, मगर अधूरे मन से, जबकि संभलते ही विकास पूरे मन से विजय के पीछे दौड़ा, परंतु जितना मौका मिला था वह विजय के लिए काफ़ी था। रिवॉल्वर अब भी हाथ में था। पत्थरों पर उछल कूद मचाता वह बगलौल की तरह भागा। विकास पर भले ही रिवॉल्वर ना हो, मगर अल्फांसे पर था। एक बार को दिल चाहा भी कि वह अकेले निकाले और विजय पर फायर कर दे। इस तरफ पीठ होने के कारण विजय संग गार्ड का कोई करिश्मा नहीं दिखा सकता था, मगर उसके विवेक ने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। विकास वाली कार गेट के बाहर नहीं थी, जाहिर है उसे नुसरत तुगलक ले उड़े थे। विजय अपनी कार की तरफ लपका, दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठा। गाड़ी आगे बढ़ाई थी कि हवा में सन्नाता विकास गाड़ी की छत पर आ गया आ पड़ा। विजय ने एकदम रफ्तार बढ़ा दी। छत पर कोई कैरियर नहीं था जिसे विकास पकड़ सकता। विजय कार को झांझ से निकाल कर ले गया। विकास जुनूनी अवस्था में उस पर पत्थर बरसाता दहाड़ा, रुक जाओ गुरु रुक जाओ। गाड़ी का पिछला शीशा टूट गया, मगर रुकना किसका। पूरी रफ्तार से दौड़ा दी विजय ने कार। पागलों की तरह चीखता चिल्लाता विकास इस बात की परवाह किए बगैर अब भी उस दिशा में पत्थर बरसाया जा रहा था कि गाड़ी कभी की ऐसे पत्थरों की रेंज से बाहर निकल चुकी है। नज़दीक पहुंचकर अल्फांसे ने उसे बाहों में भर लिया। चीखा, विकास विकास विकास, होश में आओ बेटे। कैसे होश में आऊं अंकल, उन्होंने मेरी आरजू को मार डाला, ख़त्म कर दिया उसे। नहीं, विजय इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं कर सकता। उसने टांग में गोली मारी होगी, कहीं और गोली लगी होगी। आओ उसे देखें, मरी नहीं होगी वे। नहीं अंकल, आरजू मेरे सामने मरी है, मेरी आंखों के सामने विजय गुरु ने सीने में गोली उतारी है उसके। कहने के साथ वह अल्फांसे लिपट कर बच्चों की तरह रो पड़ा। गोली सचमुच आरजू की छाती में लगी थी, बल्कि ठीक वहां जहां दिल होता है। कमरे के फर्श पर उसकी लाश चित पड़ी थी। अच्छी तरह निरीक्षण करने के बाद अल्फांसे उसके नज़दीक से हटाई था कि विकास के मुँह से गुर्राहट निकली। चेक कर लो क्राइमर अंकल, अच्छी तरह देख लो, ये भी चेक कर लो कि आरजू के मेकअप में कोई और तो नहीं है। कर चुका हूँ विकास, दुनिया का कोई मेकअप कोई फेस मास्क अल्फांसे की आंखों को धोखा नहीं दे सकता। ये भी चेक कर लो कि गोली कहाँ लगी है, टांग में नहीं हाथ में नहीं, गोली सीधी आरजू के दिल पर लगी है। और इसमें भी शक नहीं कि यह गोली विजय गुरु ने चलाई है। क्राइमर अंकल, मेरे सामने मेरी आंखों के सामने फायर किया उन्होंने, और इन्हीं आंखों के सामने चीख कर मेरी आरजू गिरी थी। विकास पूरी बात बताओ, जब तुम यहाँ पहुँचे तो ज़्यादा कुछ सुनने का तो मौका ही नहीं मिला। वही हुआ क्राइम अंकल, ठीक वही जिसका अंदेशा मैंने आरजू के सामने व्यक्त किया था। जितना सुना उससे यही अंदाज़ा लगा सका हूँ कि विजय गुरु यह कहकर उसे शीशे में उतारने की कोशिश कर रहे थे कि विकास देश के लिए बनाए, मगर ये मान नहीं रही थी। मुझ पर नज़र पड़ते ही उन्होंने बगैर कोई मौका दिए से गोली मार दी, मेरी आंखों के सामने कटे वृक्ष की तरह गिरी है, और मैं कुछ नहीं कर सका। कुछ भी तो नहीं अंकल, मैं ये सोचता था कि विकास। अल्फांसे ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा। खुद को संभालो बेटा। नहीं, चीख कर विकास दो कदम पीछे हटा। विकास अब किसी का बेटा नहीं, सारे रिश्ते सारे नाते विकास के साथ जुड़ा दुनिया का हर बंधन आज इस लाश के साथ खत्म हो गया। इधर ये लाश गिरी, उधर हर संबंध की डोर टूट गई। मेरा कोई गुरु नहीं है, कोई बाप कोई माँ नहीं है। क्या बक रहा है पगले, क्या अल्फांसे भी कुछ नहीं रहा। विकास दांत बीच का गुर्रा उठा। मेरी जुबान मत खुलवा क्राइमर अंकल, वरना तबाही आ जाएगी। विकास, आपने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, मैंने आपको अपनी मदद के लिए बुलाया था, मदद का नाटक भी आपने खूब किया। अरे आपसे अच्छे तो गुलफाम अंकल हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, नाना हैं, और विजय अंकल भी आपसे अच्छे हैं। उन्होंने जो किया कम से कम सामने आकर तो किया, सीना ठोक कर कहा तो सही कि वह मेरे खिलाफ है, मगर आपने तो दोस्त बनकर ठगाया मुझे, मददगार बनकर धोखा दिया है। विकास, अल्फांसे दंग, पागल हो गया क्या। हाँ हाँ मैं पागल हो गया हूँ, धाड़ उठा लड़का। आप जैसे लोग अगर पीठ में छुरा घोंपने लगे तो कोई भी पागल हो सकता है। मैंने क्या किया है,
एक झटके से विकास ने अपनी जेब में हाथ डालकर रिवॉल्वर निकाल लिया और गर्जा, ये क्या है? रिवॉल्वर, अल्फांसो ने धड़कते दिल से कहा। किस लिए रखते हो अपने पास? विकास, उस वक्त ये जेब से बाहर क्यों नहीं आया जब विजय गुरु भाग रहे थे? उस वक्त ये गर्जा क्यों नहीं जब मैं पागलों की तरह पत्थर मार मारकर उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहा था? क्यों क्यों क्रायमैन अंकल, मेरी पीठ में जरा क्या घोप क्यों घोपना हो क्यों घोपा आपने? क्यों नहीं विजय गुरु को रोकने की ईमानदार कोशिश की? है कोई जवाब? जवाब तो अल्फांसे पर था, लेकिन एकदम से दिया नहीं उसने। शायद इसलिए नहीं दिया क्योंकि जिस मूड में विकास ने सवाल किया था वो मूड किसी की बात समझने वाला नहीं था। कुछ देर चुप रहने के बाद वह धीमे और समझाने वाले लहजे में बोला, ये सही है विकास, के जीवन में अल्फांसे पहली बार डबल माइंड हो गया था। मुझे मालूम था कि अगर मैं उसे रोकता तो तुम जिंदा छोड़ने वाले नहीं थे और आप उन्हें मरने नहीं देना चाहते। पगले, क्या अल्फांसे उसे मरने देना चाहेगा, वो भी तेरे हाथों? एक एक लफ्ज जवाया विकास ने। और उन्होंने जो मेरी आरजू को मार डाला? यकीनन गलत किया, बहुत गलत किया था। मगर मगर यदि वो हुआ जो तुम्हारे दिमाग पर सवार है तो और गलत होगा। तो क्या क्या करना चाहिए मुझे? विकास का एक एक शब्द जहर में बुझा था। उसे माफ़ कर देने के अलावा और कोई चारा नहीं। माफ़ करने का यह चलन उनके लिए क्राइम अंकल, जिनसे अनजाने में गलती हो गई। माफ़ी मांगने और माफ़ होने का हक उन्हें होता है जो ये कहें कि भूलवश उनसे फला गलती हो गई और अब नहीं होगी। वह शख्स माफ़ नहीं किया जा सकता जिसने जानबूझकर गलती की हो, यह सोचकर गलती की हो कि गलती करने के बाद बचेगा ही क्या। माफ़ी मांगना और वो मैं मांग लूँगा? दिल पर हाथ रखकर कहो, गुरु क्या ऐसा शख्स माफ़ होने लायक है? पता नहीं तुम क्या कह रहे हो, विजय गुरु ने साफ कहा था मुझसे, किसी दिन आरजू का क्लेश खत्म कर दूंगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। उसके बाद करेगा क्या तू? कुछ दिन रोएगा तड़पेगा, विरह की आग में सुलगेगा और कुछ दिन बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। वक्त का मरहम हर जख्म को भर देता है। अपनी इसी सोच इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने मेरी आरजू के सीने में गोली उतारी है। उन्होंने तो कर लिया जो कर सकते थे, अब मुझे करना है। मुझे, दुनिया देखेगी कि वक्त का मरहम हर जख्म नहीं भर सकता। भावनाओं के भंवर से बाहर आओ विकास, दिमाग इस्तेमाल। आखिर क्या? विकास दहाड़ा। कहना क्या चाहते हैं आप? क्या ये कि आरजू के इस खात्मे को भूल जाऊं? क्या कसूर था मेरी आरजू का? क्यों सीने में सुलगता बुलेट झेलना पड़ा उसे? मेरी खातिर ना? एक बार को तो इसने ठुकरा दिया था मुझे, मैंने ही गिड़गिड़ाकर मोहब्बत की भीख मांगी, ये उसी की सजा भोगी है उसने, और मैं इस घटना को भूल जाऊं? धिक्कार है मुझे। अरे ऐसा हुआ अंकल तो लोग थूकेंगे आपके विकास पर, मेरी अंतरात्मा सुलगा कर राख का ढेर बना देगी मुझे। नहीं, खुदा भी कहे तो मैं इस मौत को नहीं भूल सकता, इस नन्ही जान का पूरा बदला लिया जाएगा। ये शब्द भभकते हुए कुछ ऐसे लहजे में कहे उसने कि अल्फांसे पर कुछ कहते ना बन पड़ा, और विकास को मानो ध्यान भी नहीं था कि वहाँ अल्फांसे खड़ा है। वह आगे बढ़ा, आरजू की लाश के समीप घुटनों के बल बैठा, दांतों पर जात जमे, आंखें अंगार बन गई, चेहरा सुलग उठा, दायां हाथ आगे बढ़ा, अंगूठा खून से डूबा। इसी अंगूठे ने विकास के मस्तक पर एक तिलक लगाया और मुंह से निकली भेड़िए किसी गुर्राहट, मेरी वजह से बहे तेरे खून की कसम आरजू, एक एक बूंद की पूरी कीमत अदा करूंगा मैं। विकास, अल्फांसे ने झपट कर उसे पकड़ा, होश में आ यार। एक दिन वो था क्राइम अंकल जब मैंने गुरु के हाथों इसे मरी समझकर सुसाइड करने की कोशिश की थी, और आज का दिन है। अब इस लड़ाई का अंत तब होगा जब या तो विजय गुरु मेरे हाथों मारे जाएं या मैं उनके हाथों खत्म हो जाऊं। हम दोनों में से अब एक ही रहेगा क्राइम अंकल, एक ही। मार डाला? संभालते संभालते भी लहजा कांप उठा आशा का। तो तुमने मार डाला आरजू को? खलास, विजय ने थर्ड क्लास गुंडे की तरह एक्शन किया। अशरफ, विक्रम, नहार और परवेज के दिलो दिमाग पर सन्नाटे की ऐसी दीवार खिंच गई कि जैसे शून्य में पहुंच गया। लाख प्रयत्न करने के बावजूद किसी के मुंह से बोल ना फूट सका। अंततः विजय ने ही पूछा, क्या हुआ प्यारो, मातम में डूब गए क्या? विजय, अशरफ का गला मानो रेगिस्तान बन चुका था। क्या तुमसे ऐसा करने के लिए चीफ ने कहा था? लो वो साला चूहा, क्या हमें कदम कदम पर बताने आता है कि क्या करना है? एक बार मिशन सौंपते हुए उसने हमें हुक्म दिया कि जैसे भी हो विकास का पीछा उस भूतनी से छुड़ाओ, और हमने और तुम्हें पीछा छुड़ाने का यही एक रास्ता सूझा? विक्रम ने पूछा। पहले सीधी उंगली से घी निकालने की कोशिश की मगर नहीं निकला, यानी दिल जले को समझाया, शरबती आंखों वाली को पढ़ाया, नहीं पढ़ी तो क्या करते, न बास छोड़ा न कृष्ण करें यज्ञ बांसुरी। नहार ने कहा, विकास चुप नहीं बैठेगा, जो शख्स उसके शादीशुदा होने पर भी शादी करने को तैयार था वह आ गया। खिड़की से नीचे झांकता विजय उछल पड़ा, भस्मासुर आ गया। सभी एक साथ खिड़की पर लपके। अशरफ का ये फ्लैट 7वीं मंजिल पर था। नीचे रुकी कार से विकास को निकलते सभी ने देखा, और चेहरा उठाकर विकास ने भी उन सभी को देख लिया था। उसे लिफ्ट की तरफ बढ़ता देखते ही विजय फ्लैट के मुख्य दरवाजे की तरफ लपकता चीखा, चूहे से कहना जान जरोके, कुछ दिन के लिए हम इंडिया से बाहर जा रहे हैं, दिल जले का दिमाग ठंडा होने पर आएंगे। कोई कुछ भी नहीं बोल पाया कि विजय ऐसे गायब हो गया जैसे वहाँ कभी था ही नहीं।
वे जड़वत और हक्के बड़े भक्के भक्के ही खड़े थे कि मौत के फरिश्ते की तरह हाथ में रिवॉल्वर लिए विकास अंदर दाखिल हुआ। बुरी तरह हाँफ रहा था वे। हालक से हिंसक भेड़िए की सी आवाज़ निकली, कहाँ है विजय गुरु? किसी के मुँह से बोल ना फूटा। चलता फिरता ज्वालामुखी दहाड़ा, जवाब दो वरना एक एक को भून कर रख दूंगा। विकास, अशरफ ने कहा, वो तुम्हें देखते ही भाग गया। भाग कर जाएंगे कहाँ? विकास, पाताल तक पीछा नहीं छोड़ेगा उनका। कहने के साथ वह खिड़की पर झपटा। ठीक उसी वक्त विजय नीचे खड़ी अपनी कार में बैठता नजर आया। विकास वापस दरवाजे की तरफ लपका और ऐसे गायब हो गया जैसे जादू के जोर से हुआ। पुनः चारों मूर्तिवत खड़े रह गए थे। हे भगवान, आशा बड़बड़ा उठी, क्या अंत होगा इस युद्ध का? अशरफ के मुंह से निकला, खुदा जाने। बागारोफ, रूसी सीक्रेट सर्विस का कोहिनूर, बेहद बूढ़ा, दुनिया का सबसे बुजुर्ग जासूस। सिर किसी हंडिया के पृष्ठ भाग की तरह गोल एवं दर्पण की मानिंद चमकदार। वह गोरा था, खूब गोरा, आंखें सागर के पानी के समान नीली। दुनिया का हर जासूस उसे चचा कहता था। बागारोफ के बारे में प्रसिद्ध था कि जिसको जितना ज़्यादा प्यार करता था उसको उतनी ही ज़्यादा गालियाँ देता था। सुबह कवा का अखबार पढ़ते उसके मुँह से निकला, ये क्या क्या उल्लू के पट्टे? झकझकियों के अलावा कुछ आता भी है तुझे? प्यार मोहब्बत के मामले कहीं इस तरह निपटाए जाते हैं? कहने के साथ उसने अखबार मेज पर पटका। दुनिया भर के मुख्य अखबार का हेडिंग आज एक ही था, विजय के हाथों विकास की प्रेमिका की हत्या। नीचे पूरा विवरण था। यह भी लिखा था कि विकास किस तरह विजय को ढूंढता फिर रहा है। बागारोफ ने रिसीवर उठाकर जाने किससे कहा, इंडिया फोन लगा। दूसरी तरफ से शायद ये पूछने की भूल कर ली गई थी कि अभी तभी तो जवाब में बागारोफ को दहाड़ना पड़ा। अब और क्या मेरे मरने के बाद लगाएगा? हरामजादे, अभी लगा, अभी क्या अभी? मैं यहीं आ गया चचा, दरवाजे से विजय की आवाज़ उभरी। रिसीवर हाथ में लिए फिरकनी की तरह घूमा बागारोफ और विजय पर नज़र पड़ते ही चीखा, अबे तू यहाँ भूतनी के? मैं तो तेरे लिए ही दुबला हुआ जा रहा था। रूस में क्या ऐसी तैसी कर रहा है? तुम्हारे ही पास आया हूँ चचा, कहकर वह बागारोफ की तरफ लपका। रिसीवर जहाँ का तहाँ छोड़कर बागारोफ ने बाहें पसार दी। दोनों गले मिले, पीठ थपथपा पे बागारोफ ने कहा, ये क्या किया चौट्टी के? मजबूरी हो गई थी चचा, तेल लेने नहीं जा सकती थी मजबूरी? मैंने टालने की कोशिश की मगर कोई चारा नहीं बचा था। अबे तो शादी कर देनी थी गधे के बच्चे की, मैंने फोटो देखा है, अच्छी खासी खूबसूरत कुतिया थी। वो शादीशुदा थी चचा। शादीशुदा? अखबार में तो नहीं लिखा। ये इन्फॉर्मेशन अखबार वालों को शायद जानबूझकर नहीं दी गई। तो शादीशुदा से शादी करने पर क्यों अड़ा हुआ था मुर्गी का? कहता था इश्क में सब जायज़ है, गधे का मूंछ जायज़ है। ये भी कोई बात हुई? खरगोश के बच्चे जितना सुंदर लड़का और शादीशुदा औरत से शादी? बागारोफ भड़क उठा, सवाल ही नहीं उठता। ठीक किया तूने, मगर कुछ कहता कहता अटक गया है। थोड़ा गैप देने के बाद बोला, भड़क तो बहुत रहोगा कनस्त्री का, भस्मासुर बना घूम रहा चचा, तभी तो यहाँ आना पड़ा। कौन सा सुर? ये साला पहली बार सुना भस्मासुर? 700 सुने चोटी के? ये कौन से 8वें सुर का राग अलाप रहा तू? ये संगीत वाला सुर नहीं चचा, राक्षसों वाला सुर है भस्मासुर। बात भेजे में फिट नहीं हुई, खोल कर बता जरा। बहुत पहले का सुर हुआ था, यानी राक्षस, उसने भगवान शंकर की आराधना की। शंकर तो जानते हैं ना, ऊपर वाले को ना जानकर बेमौत मरना है क्या? आगे बोल। भगवान शंकर असुर की आराधना से खुश हो गए थे, प्रकट हुए, बोले बोल क्या चाहता है? क्या मांगा असुर ने? ये वरदान कि जिसके सिर पर हाथ रख दूँ वो भस्म हो जाए। रिवॉल्वर की गोली, तोप का गोला, मिसाइल, RDX, सब कुछ एक साथ ही बनाना चाहता था साला। खैर आगे बोल, और बोलेगा क्या तू? सुना है बहुत भोले थे शंकर, उन्होंने कह दिया होगा, तथास्तु। यही तो गड़बड़ हो गई। कैसी गड़बड़? वरदान मिलते ही शंकर की तरफ लपका असुर, यह कहता हुआ कि सबसे पहले आप ही को भस्म करूंगा। वेरी गुड, घुटी हुई चीज़ थी। शंकर ने क्या किया? करते क्या, भागे। उनका हाथ सिर पर पहुंचने का मतलब था भस्म हो जाना। आगे आगे शंकर, पीछे भस्मासुर, ठीक उसी तरह जैसे आगे आगे हम, पीछे दिल जला। वाह बढ़िया जोड़ा, नतीजा क्या निकला युद्ध का? मदद की खातिर कितनी जगह गए शंकर, मगर कौन पंगा लेता? भस्मासुर से पंगा लेने का मतलब था उसके हाथों खुद भस्म हो जाना। अंत में विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु ने कहा, ऐसे वरदान मत दिया करो भोले भंडारी। भोले बोले, कान पकड़े विष्णु जी, शिक्षा मिल गई कि बेवकूफ़ को ताकत कभी नहीं देनी चाहिए, मगर अब तो बचाओ। विष्णु ने शंकर को छुपा दिया, पीछा करता भस्मापुर वहाँ पहुँचा। विष्णु ने सुंदरी का रूप धारण किया और लगे नृत्य करने। नृत्य का मौका था वो। सौंदर्य और वासना हमेशा पुरुष की कमजोरी रही है। करेक्ट। तो सुंदरी को देखकर भस्मासुर शंकर को भूल गया, उसे पाने के लिए लालायित हो उठा। वासना के फेर में पड़ा जीव शिव को भूल ही जाता है। सुंदरी ने कहा, मुझे पाना चाहता है तो मेरे जैसे नृत्य करके दिखा। और भस्मा टूटी उसी तरह नाचने लगा जैसा सुंदरी रूपी विष्णु नाच रहे थे। नाचते नाचते विष्णु ने अपने सिर पर हाथ रखा, भस्मासुर का हाथ भी स्वतः अपने सिर पर पहुंचा और भस्मासुर भस्म। वेरी गुड, काबिले तारीफ एंड था।
तो आप विष्णु हैं चचा और मैं शंकर, फिक्र मत झकझकिए, अंदर जाकर छुप जा, सुंदरी बनकर बहुत जचूंगा मैं। मगर चचा सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि हम उसे भस्मासुर की तरह भस्म नहीं कर सकते। अगर ऐसा कर सकते तो मुझे यूं भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं थी। ये काम शायद मैं अकेला ही कर लेता, जबकि उस पर खून सवार है। सीधा सीधा हमें बहुत मौत के घाट उतार देने पर आमादा है। सुनने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं। बात तो ठीक है, फिर भी सोचेंगे कोई तरकीब। उधर मेज के नीचे झूल रहे रिसीवर से आवाज़ आ रही थी, हेलो हेलो। बागारोफ ने उसे उठाकर क्रेडल पर पटक दिया। बात उस वक्त की है जब विजय और बागारोफ डाइनिंग टेबल पर बैठे लंच ले रहे थे। तभी हॉल के दरवाजे के बाहर से किसी की आवाज़ उभरी, अरे अरे रुकिए, ये क्या कर रहे हैं आप? दोनों ने चौंक कर एक साथ हॉल के दरवाजे की तरफ देखा। बताओ बचाओ चचा। इन शब्दों के साथ विजय का जिस्म गेंद के समान हवा में लहराता नजर आया। थाए थाए थाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भस्मासुर के अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।